हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद इल्मा खुशामदीद। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बड़े होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और आज का मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है ना, इतना सुहाना मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाऊँ। और मैं भी यहाँ पर आ गई थी देखने के लिए, अपने सेक्शन पर खड़ी होकर मैं यहाँ का नज़ारा देख रही थी। इतना प्यारा लग रहा है, पता है मेरा मन तो कर रहा है कि बस पकौड़ी और चाय मिल जाए, तो चले चल के बनाते हैं पकौड़ी और चाय जब तक कि यहाँ का मौसम भी और अच्छा हो रहा है। पता है सुबह से मतलब बारिश हो रही है, लिटरली सुबह से नहीं बल्कि कल रात से बारिश हो रही है, जब होना शुरू हुई है ना भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और अब तो सिर्फ बूंद बांद है लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना प्यारा लग रहा है ना, सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है बस यहाँ खड़े हो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते रहो बस। आलू ले लेते हैं, यहाँ पे चार आलू हैं लेकिन मुझे चार की नहीं बनानी है, मैं एक बड़ा वाला आलू लेती हूँ और ये वाला, नहीं काफ़ी हो जाएगी क्योंकि आलू और प्याज की पकौड़ी हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से ले लेती हूँ मैं प्याज, इतना काफ़ी है, बहुत तो नहीं हो जाएगी, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मैं इसको किस में ले कर जाऊँ, इसमें ले जाती हूँ, इसमें रख लेती हूँ और चलते हैं लेकर। आज तो भाई सबको मज़ा ही आ जाएगा, मौसम का लुत्फ़ उठाएंगे खूब अच्छे से, आलू और प्याज की पकौड़ी खाएंगे। पहले मैं अच्छे से छील लेती हूँ, तो इसे कहते हैं छीला। जैसे कि हम ये आलू को अच्छे से छील लेंगे, चलिए इल्मा द प्रोफेशनल आ गई किचन में, अच्छे से आलू को उसको छील लेंगे और छीलने के बाद पूरा डस्टबिन में ही डालें, काम करते करते सफाई भी ज़रूरी है। तो अच्छे से इसको हम छील लेते हैं और उसके बाद हम उसको प्याज को छीलेंगे, पहले आलू को फटाफट से छील लेते हैं। आप में से किस किस को घर की पकौड़ियाँ पसंद है, मतलब मुझे तो ज़्यादातर घर की बनी ही पकौड़ियाँ पसंद है। तो दोनों आलू छील लिए मैंने अच्छे से, अब बची ये प्याज, इसके लिए छुरी चाहिए, ये रही। इसको छीलने के बाद धो लें अच्छे से, उसके बाद कट करें तो बेहतर रहता है ऐसे। और अगर प्याज छीलते वक्त दर्द लगता है ना आँखों में, तो पता है अगर आपको ऐसा छीलना है प्याज और चाहते हैं कि दर्द भी ना लगे आँखों में, तो छीलते ही तुरंत पानी में डाल दें, इससे क्या होता है उसके जो दर्द होता है उसका वो कम हो जाता है। आवाज़ आ रही है, सब सब्जियाँ मिलेंगी बाहर। इसमें मैंने सारे मसाले और बेसन डाल दिया है और ये एक अच्छा से बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए गैस पे कढ़ाई रख देते हैं, पहले गैस ऑन कर लेते हैं, ये लीजिए गैस ऑन हो गई, अब कढ़ाई रख देते हैं, अब तेल लगा देते हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे इसको ऐसे ही ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से। जब तक कि ये तेल गर्म हो रहा है मैं अल्मापी से कुछ सवाल जवाब करूँगी, तो बताओ अल्मापी जी कि तुम्हें कौन सी टाइप्स की पकौड़ियाँ खाना ज़्यादा पसंद है? मुझे भजिया खाना पसंद है, प्याज की जो बनती है ना वो वाली, और अगर आलू और मतलब आलू और प्याज की जो पकौड़ी होती है वो भी पसंद है, लेकिन सिर्फ आलू की पकौड़ी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और आपको मिर्च खाना नहीं पसंद है वो? हाँ, तली हुई वो वाली भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च ही नहीं होना चाहिए, हरी वाली जो होते पकौड़े उसके है ना, हरी मिर्च की पकौड़े पसंद है, लेकिन बस उसमें मिर्च नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ज़्यादा मिर्च होती है फिर खा नहीं मिलती बिल्कुल। मुझे तो भाई वो बहुत पसंद है जिसमें हल्का नमक लगा हुआ होता है, बेसन में फुल टू तली हुई होती है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ऑयल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन आराम से बना रही हूँ क्योंकि मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, इससे ये पता चलता है। इल्मा भी रमज़ान में भी बनाती हैं तो एक्सपीरियंस तो है भाई, और पकौड़ी तो फर्ज है। हाँ भाई रमज़ान में पकौड़ी तो फर्ज है,
रोजे अल्लाह ने फर्ज किए और पकौड़ी हम लोगों ने फर्ज कर लिए रमजान। भैया मुझे तो लगता ही नहीं जब तक रमजान में पकौड़ी ना मिले तब तक मज़ा ही नहीं आता। पकौड़ी देखते ही रमजान की याद आती है, इतना अच्छा लगता है ना रमजान में तो, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि माशाल्लाह जॉइंट फैमिली उम्र जो हर एक बंदा हमारे यहाँ का रोज़ा रखता है, जो बैठ के सहरी होती है ना वैसे लगता है कि वाह माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छा लगता है, किसी की नज़र ना लगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये तल रही हैं और इसके जो झाग उठ रहे हैं वो इस बात का सबूत हैं कि ये पक रही है। भैया मुझे तो तेल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कोसों मील दूर हो जाती हूँ मैं तो, अभी भी नहीं आ रही थी ये लड़की तो। फिर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, देखती हूँ मेरी बहन कैसे काम कर रही है। बहन का स्ट्रगल देखा नहीं गया इससे, ये अब पक रही हैं और तो थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं और जब तक के लिए बन जाएगी फिर आराम से। फिर बताओ कि पकौड़ी बन जाए मतलब पक जाए ये बताओ कैसे पता चलेगा? ये जो ऊपर का बेसन है ना इसका, ये वाला, ये भी हल्का सा सिक जाता है इससे पता चलता है, और वरना अगर ऐसे ना पता चले तो भाई करछी किस काम की है उठा के देख लो। ज़्यादा सवाल पूछ लिया बहन ने, सीधे बोल दिया बोली करछी उठा के खुद देख लो। और क्या कि पकी है नहीं, मैंने 5 मिनट तक रख लो। ओके हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, पता लगे मुझे ही मानने लग जाए कि तू ज़्यादा बोल रही है। जल्दी जल्दी बन जाओ प्यारी पकौड़ी। अब ये देखो अच्छे से सीख गई हैं, और ये देखो है तो सही सीखी है ना, बस इनके साथ कुछ भी हिला डुली ना करना है, ऐसे ही छोड़ दो तो जल्दी सीख जाती हैं, अगर बार बार इनको हिलाते रहो तो वो देर लगाती है ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही ना, गोल्डन हो गई एकदम प्यारी प्यारी, हमें लग रही बरकत आ गई हमारी, उसे भी खाना है। लेकिन पता नहीं वो पकौड़ी खाएगी क्या, वो पकौड़ी खा सकती है बर्गर में? आजकल उसे कुछ ज्यादा ही भूख लग जाती है, जब हम लोग सुबह में उठते हैं ना फजर में तो वो 4:20 पे ही नीचे आ जाती है, 4:20 पे 7 बजे आती है नीचे, और अब तो मानसून चल रहा है तो हम लोग नीचे ही है छत पे, अम्मी पापा रात गए थे तो उनको 2:30 बजे वापस आने पड़ा क्योंकि बारिश हो गई, और तभी से ही बारिश हो रही है तो मौसम ठंडा हो गया है, अच्छा हो गया है। और जा तो जब तक की पकौड़ियाँ सीख रही हैं मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी ठंडी हवा ले लूँ यहाँ आके। अच्छा बालकनी होना ना सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगता है कि किचन के बाहर अगर बालकनी है आप खाना बनाओ और थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, इससे क्या होता है गर्मी भी कम लगती है और ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ, बस पकौड़ियाँ ना जले मेरी। क्या ये सीख गई? हाँ ये भी हो गई है पूरी, अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, पकौड़ी हमारी तैयार है। अब मैं चाय रखूँगी क्योंकि एक ही गैस का चूल्हा है मेरे पास, दूसरे पे हमारे यहाँ पे उड़द बन रहे हैं क्योंकि आज खाने में उड़द बन रहे हैं ना, इसलिए तो अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। ये रही पत्ती, पहले पत्ती ही डालना चाहिए वैसे मेरे को ऐसा ही लगता है, तो इसमें मुझे कड़क चाय चाहिए तो अच्छी से पत्ती डाल देंगे, और हल्की मीठी चाय चाहिए तो चीनी डालता हूँ इतनी काफ़ी। अब इसको अच्छे से खोलाएंगे उसके बाद इसमें तो चाय अब अच्छे से उबल चुकी है तो मैंने सोचा इसमें दूध ऐड कर दूँ, लेकिन इसमें दूध थोड़ा है तो मैं सोच रही हूँ चाय इसमें ऐड कर देती हूँ, है ना। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दूध और ऐड कर देती हूँ क्योंकि दूध इसमें बहुत कम है। अब ठीक लग रही है ना, तो हमारी चाय और पकौड़ी एकदम रेडी है खाने के लिए, अब ये मैदान में उतरेगी और इसको पकाया होगा।
ये पकौड़ी पता है हमारी दादी जी को समोसे बिल्कुल नहीं पसंद और पकौड़ी बहुत पसंद है ना अम्मा? तो बताओ खाकर आपकी पोती ने बनाई है कैसी बनी है? अच्छी बनी है, नमक तो नहीं लग रहा है? बताओ मम्मी कैसे बनी है? अच्छी बनी। साफ तो मान गई ना, मैं कितनी अच्छी पकौड़ी बनाती हूँ। अच्छी बनाती हूँ, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अम्मी इधर देख के बोले सबको विश्वास हो जाएगा। अच्छी बनाती है पकौड़ी, बहुत अच्छी बनाती। बताओ चाची। बहुत अच्छी है। चाय? चाय कैसी है? ठीक है बताओ जल्दी से। तो ये देखिए हमने तो इंजॉय कर लिया चाय और पकौड़ी, और ये देखिए बरकत खाना खाने के लिए बैठी पर खा ही नहीं रही है, दूध दूध पी जाती है और रोटी छोड़ देती है। हाँ क्या हुआ, डरा क्यों रही हो? ये मुझे डराती रहती है ऐसे। अभी यहाँ मोहम्मद मुनीर बैठा है और यहाँ से बातें कर रही है इससे। कर लो, भाई का ही वेट करती हो तुम तो बस। मुनीर आपको पसंद है बरकत? कितनी बहुत पसंद है। तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करी, मैंने देखा कि बारिश रुक चुकी है तो क्यों ना छत पर घूमा जाए। तो मैं आई छत पर, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल देख रहे हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि बरेली कॉलेज में मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। तो आपने अगर बरेली कॉलेज का फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप OBC वाले हैं तो आपकी जो जाति है कास्ट सर्टिफिकेट तो वो आपका रिन्यू होना चाहिए, यानी कि 2020 के बाद का ही होना चाहिए, तभी वो आपको लगेगा, वरना आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जर्नल में आ जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखें, और बाकी जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो सारे लगेंगे। और MGPRU की जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी भी हार्ड कॉपी चाहिए उसमें, और बस बरेली कॉलेज का फॉर्म, MGPRU का फॉर्म और जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जाकर आप सेमिनार रूम में सबमिट कर दें अगर BA BCOM या BSc वाले हैं, और 8 से पहले कर दें क्योंकि लास्ट डेट उसकी 8 ही है। तो बस ये मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो लगता है बारिश फिर से शुरू होने वाली है, छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। तो मैं जाती हूँ अभी नीचे और अपने ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने बरेली कॉलेज का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी जाकर देख लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।